रिंकू सिंह। इस नाम ने ना सिर्फ केकेआर में बल्कि पूरे क्रिकेट जगत में तहलका मचा दिया है। गुजरात के खिलाफ रिंकू के 5 छक्कों ने केकेआर को जीत दिलवा दी, जिसके बाद ना सिर्फ क्रिकेट के दिग्गज बल्कि बॉलीवुड के सितारे भी अब रिंकू की तारीफ करते करते नहीं थक रहे हैं और अब आमिर खान ने उनकी तारीफ की है। दरअसल आईपीएल शुरू से ही युवा खिलाड़ियों के लिए एक मसीहा साबित हुआ। इस लीग ने टीम इंडिया को हार्दिक पांड्या, शुभमन गिल और रविंद्र जडेजा के साथ साथ कई बड़े खिलाड़ी दिए हैं। वही साल भी कुछ खिलाड़ियों को शानदार प्रदर्शन के कारण भारत के भविष्य के रूप में देखा जा रहा है। उन्हीं में से एक है रिंकू सिंह। जी हाँ, रिंकू सिंह का नाम भी जुड़ चुका है अब, जिन्होंने अपने लगातार 5 छक्कों से टीम को जीत ही नहीं दिलाई बल्कि इनका शोर क्रिकेट जगत से लेकर फिल्मी दुनिया तक पहुंच चुका है। रिंकू सिंह ने गुजरात टाइटंस के घर में उनके मुंह से जीत छीन ली। रविवार को मैच के आखिर ओवर में केकेआर को जीत के लिए 29 रन की दरकार थी। इस खिलाड़ी ने एक ओवर नहीं बल्कि 6 गेंदों को दिमाग में रखते हुए बल्ला घुमाया और 5 गेंद में लगातार 5 छक्के जड़कर मैच खत्म कर दिया, जिसके बाद कोई भी उनकी तारीफ करने से नहीं थक रहा। क्रिकेट को छोड़ फिल्मी दुनिया में रिंकू ने बॉलीवुड सितारों का दिल जीत लिया। पहले शाहरुख खान और रणवीर सिंह ट्विटर पर उनकी तारीफ करने से खुद को रोक नहीं पाए, उसके बाद अब स्टार एक्टर आमिर खान ने भी वीडियो में उनकी तारीफ की, जिसके बाद रिंकू ने उन्हें दिल से धन्यवाद कहा। आमिर खान ने रिंकू सिंह को लेकर वीडियो में कहा कि रिंकू क्या खेल रहा था यार, मतलब ऐसा खेल रहा था जैसे अकेले उसने मैच जिता दिया। हार जीत चलती रहती है, देखिए अगले साल मैं भी रहूंगा आपके साथ। इसके बाद रिंकू सिंह ने भी आमिर खान को दिल से धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि आपको हमारी बैटिंग देखकर ऐसा लगा, मेरा दिल खुश हो गया। मैं कामना करता हूं कि अगले साल आप हमारी टीम के साथ हो, मजा आएगा। थैंक यू सो मच आमिर सर, लव यू। रिंकू सिंह की बदौलत केकेआर की टीम ने लगातार दूसरी जीत दर्ज की है। इससे पहले कोलकाता की टीम ने अपने होम ग्राउंड पर आरसीबी के खिलाफ शानदार जीत दर्ज की थी। उस मैच में भी रिंकू सिंह ने एक अहम पारी को अंजाम दिया था। गुजरात टाइटंस को इस सीजन के पहले मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा है।